चलिए मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक रोड शो किया। जी हां, आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान एक रोड शो करने के लिए पहुंचे, लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने एक रोड शो के जरिए लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। एक जनसभा को इस दौरान सीएम ने संबोधित किया। आने वाले चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी तैयारियां चल रही हैं। सागर झाबुआ पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, यहां पर रोड शो किया, एक जनसभा को भी संबोधित किया। और जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार ने अपनी योजनाओं का बखान किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लड़ती है तो विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास के लिए योजनाएं हैं, जन कल्याण की योजनाएं हैं। अब ये योजनाएं क्रियान्वित नगरों में नगर सरकार करती है, चलो नगर पालिका हो या नगर पंचायत। ये नगर पंचायत अगर नगर पालिका में ठीक लोग बैठे तो विकास नीचे जमीन पर ठीक से पहुंचेगा। चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ त्योहारों का प्रदेश है, जहां हर एक त्योहार पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन कई त्योहार ऐसे हैं जो पौराणिक कथाओं से न जुड़कर आम लोगों से जुड़ गए हैं। चाहे वो हरेली हो, चाहे वो छेर छेराया पोला, ये सभी त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ देश की संपन्नताएं, खुशहाली और समृद्धि के लिए भोजली विसर्जन भी छत्तीसगढ़ की माटी की सौंधी खुशबू के लिए और छत्तीसगढ़िया की सरल और सहज व्यवहार का एक त्यौहार है। अमन हरेली तिहार मानथन नजूरी लगते था, पंचमी के दिन हम जगाथन भोजली। उसकी सेवा कितने दिन तक की जाती है? 10 दिन तक। किन गीतों के सहारे सेवा की जाती है? हाँ, कौन से गीत के सहारे भोजली भोजली की से? कौन सा गीत है? छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर त्योहार भोजली का विसर्जन गीत संगीत के साथ 9 दिन बाद भोजली की नदी तालाबों में किया गया। सिर पर टोकरी में पीला ज्वार लिए भजन कीर्तन के साथ बच्चों और महिलाओं का समूह भोजली विसर्जन में बड़े उत्साह के साथ उमड़ा। कोटा नगरी के कोट सागर धाम में प्रति साल की तरह इस साल भी लोगों ने मनाया। इस दौरान एक दूसरे को भोजली प्रेम भेंट भी की गई। भोजली प्रतियोगिता महोत्सव कोटा नगर में पहली बार छत्तीसगढ़ी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान एम भाई मनोज साहू के विशेष सहयोग से किया जा रहा है और इसमें दूर दूर से कवि भी पधारे हुए हैं, जिसमें राजिम से सुधा शर्मा जी, एम भिलाई से शकुंतला शर्मा जी, रतनपुर से जनक राम साहू जी एवं कई वरिष्ठ नागरिक यहां पर उपस्थित हैं। पहला मौका है कि कोटा नगर में इतना भव्य आयोजन भोजली प्रतियोगिता महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आगे हमारा प्रयास ये है कि नगरवासियों का सहयोग मिलेगा तो हम इसको प्रतिवर्ष इसी प्रकार से धूमधाम से संपन्न करेंगे और भोजली जो परंपरा है इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं गया प्रसाद साहू अध्यक्ष। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। घरघोड़ा नगर में काफ़ी उत्साह के साथ विश्व कृमि दिवस जागरूकता रैली निकाली गई। इसी के उपलक्ष्य में सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भव्य रैली निकालकर जनता को जागरूक करने के लिए आह्वान किया, जिस पर स्थानीय प्रशासन, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग द्वारा रैली को सफल बनाने में बड़ा योगदान रहा। कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने रामानुज स्टेडियम में पहले पौधे की पूजा की और उसके बाद पूरे रीति रिवाज से सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने हजारों की संख्या में रैली निकाली। ये रैली रामानुज स्टेडियम से लेकर मानस भवन तक चली।
रैली में आदिवासी समाज के समस्त अधिकारी, जनप्रतिनिधि और तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। जब कोई किसी का अभिवादन करता है तो सामने वाला आई सी यू मुझे आपका ख्याल है कहता है, तो जो समाज पूरे दुनिया के लोगों का ख्याल रखा उस समाज के हालात आज क्या है, कैसे है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे है, सामाजिक स्थिति कैसे है, शैक्षिक स्थिति कैसे है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जा रहा है कि 9 अगस्त को पूरे आदिवासी समाज के लोग एकत्रित होकर अपना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी वर्गों अपना समीक्षा कर सके ताकि जो कमी बेसी हो उससे संघर्ष करें, आगे बढ़े। पेड़ पौधा जैसे हम लोग प्रकृति भूल रखे, हम अपने समाज को जगा ही रहे हैं, साथ ही पूरे विश्व को जगा रहे हैं कि आज इस बार जो पर्यावरण का हालात है, पानी बरस रहा है, तो प्रकृति को जब लोग एक संदेश एक मैसेज दे रहा है कि पेड़ पौधा। चलिए रायगढ़ की बात करते हैं, जहां स्टेशन चौक पर बीते शनिवार की रात हुई चाकूबाजी की घटना में अब तक पुलिस FIR दर्ज नहीं कर पाई है। घटना को 4 दिन बीत चुके हैं और इस मामले से जुड़े सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सोनूमुड़ा निवासी अनुभव मिश्रा के साथ स्टेशन चौक के कपिल सोलंकी, अजीत जोगी, दीपांशु चौहान ने कांग्रेस कार्यालय के पास पहले अनुभव मिश्रा से लूटमार की और धारदार हथियार से हमला कर दिया। आपको बताते चलें कि कपिल सोलंकी उसके साथ ही आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ तमाम थानों में कई केस दर्ज हैं। उसको घर से जो चीज ले गया उठा उठा के लेते बोले कपिल आया घर पर गाड़ी ले लिया। उसके बाद लगभग ये 7:30 बजे आए थे कपिल ले गए और 8:30 बजे की घटना है और 11:30 बजे मेरे को पता चला तुम्हारे लड़के को चाकू मार के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो मेरे को पता चला फिर वहाँ से भाग के आया तो यहाँ से देखा तो ऐसे ऐसे बात कौन कौन लोग थे चाकू मारे? कपिल सोलंकी और लल्ला चौहान ले लिया और खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी कजलियां के त्यौहार पर तमाम किन्नरों ने इकट्ठा होकर धूमधाम से कजलियां जुलूस निकाला। इस कजलियां जुलूस में कैटरीना कैफ, करीना कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के गेटअप में किन्नर सड़क पर नाचते गाते निकले। आपको बता दें कि मौका था कि किन्नर समुदाय के लोगों के पारंपरिक भुजरिया जुलूस का, जो हर साल राखी के बाद निकाला जाता है। ये परंपरा नवाबी काल से चली आ रही है, हालांकि बदलते दौर में किन्नरों पर अब बॉलीवुड का असर भी देखने को मिलने लगा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कौमी एकता का प्रतीक भुजलिया उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। भुजलिया चल समारोह छोटी बाजार से निकलकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ बड़े तालाब पर पहुंचा। आपको बता दें कि यहाँ पर भुजलिया चल समारोह का समापन हुआ तो वहीं शहर के आजाद चौक में मुस्लिम भाइयों द्वारा भुजलिया चल समारोह का स्वागत किया गया। इस भुजलिया उत्सव में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। पुलिस की नज़र है, पुलिस हर जगह उपस्थित है और इसमें सबसे पहले तो मैं शहर की जनता को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने मिलजुल कर भाईचारे से, अमन चैन से इसको सेलिब्रेट करने का एक बीड़ा उठाया है और इसमें पूरा इन्होंने पुलिस प्रशासन। मध्य प्रदेश के धार में नर्मदा बचाओ आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला पंचायत का घेराव कर घंटों प्रदर्शन किया। मामला धार के नेसरपुर का है, जहां नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद SDM कार्यालय में शिव गुप्ता को मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। SDM के समझाने के बाद इस प्रदर्शन को खत्म किया गया। मध्य प्रदेश के अब रायसेन की बात करेंगे, जहां भोपाल से सागर जा रही बस खाई में गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा यात्री घायल हो गए। टर्निंग पर तेज रफ्तार के कारण बस पलटने से यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि बस में महिला और बच्चों सहित लगभग 80 सवारी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां कुछ बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। तो तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर एक खाई में गिर गई और इस हादसे में लगभग 25 से 30 लोगों के घायल होने की संभावना जताई जा रही है।
एक की मौके पर ही मौत हो गई है। ये बस दरअसल भोपाल से सागर की तरफ जा रही थी जब तभी एक मोड़ पर टर्निंग पॉइंट पर कट लेने के दौरान ये हादसा हुआ, बस खाई में गिर गई। अरुण कुमार रायसेन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुण, ये हादसा कैसे हुआ और ताज़ा अपडेट क्या है, क्या घायलों की संख्या और बढ़ गई है या बढ़ सकती है? जी सर, ये भोपाल से सागर की ओर ओम साईराम बस चली थी 10:30 बजे सवेरे, और 10:30 बजे चलने के बाद 11:30 बजे जाका पुल के आके 3-4 पट्टी खाली, बस नंबर है MP09FA0347, इसमें लगभग 72 सवारी भरी हुई थी और राशन लगभग 44 लोग लाए गए थे और 44 में 16 पुरुष घायल है, 19 महिला है, 9 बच्ची आए जिसमें 2 बच्चे की हालत चिंताजनक है। और इस रोड पे अभी कहां हमेशा ही दुर्घटनाएं बस होती है। अरुण, हादसे की वजह जानने की कोशिश करेंगे, आप कह रहे हैं कि लगातार हादसे होते हैं, बार बार हादसे होते हैं, इन हादसों के होने की वजह क्या है? हादसे होने की वजह सर यहाँ क्या है, गाड़ियों का रोड का फोर लाइन रोड का काम चल रहा है जिससे ट्रैफिक अधिक होने के कारण और मोड़ अधिक होने के कारण ड्राइवर ने अपना संतुलन बिगड़ने के कारण 3-4 पलटी खाई में जाके 30 फीट लगभग नीचे गाड़ी गिर पड़ी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर बात करने के लिए। संवाददाता अरुण हमारे साथ थे। एक बस खाई में गिर गई, काफ़ी लोग घायल हैं, इलाज लगातार जारी है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के सागर में पिछले कई दिनों से जैन मंदिरों में हो रही चोरी की घटनाओं की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने जैन मंदिरों में चोरी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 25,000 रुपये भी बरामद किया है। तो वहीं उसने पूछताछ में चोरी की वारदातों को कबूलने के साथ ही अपने 3 साथियों का नाम भी उजागर किया है। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। इसको शाहपुर से पकड़ा गया है, शाहपुर जाने से क्योंकि हम उसको लगा पूरा जो विश्लेषण किया गया इन्वेस्टिगेशन कि हमारा जो टीम लगी थी उससे आरोपी का नाम लगभग स्पष्ट हो गया था, सीसीटीवी फुटेजेस थी तो इससे स्पष्ट था कि आरोपी नीलेश राजपूत ही है। हमने अपनी जो एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत इसकी निगरानी कर रहे थे और हमें ये सूचना मिली थी कि ये शाहपुर में आ सकता है। शाहपुर में जैसे ही आए उसको शाहपुर चौकी प्रभारी द्वारा उस पर कार्रवाई की गई, उसको पकड़ा। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के कोटा में सरकारी पेंशन योजना में गोलमाल का एक मामला सामने आया है जिसमें ग्राम पंचायत सरपंचों पर वृद्धा पेंशन, निराश्रित और विकलांग पेंशन के गबन का आरोप लगा है। कोटा विकासखंड के ग्राम पंचायत अमाली के सरपंच और सचिव एक बार फिर से चर्चा में हैं। पेंशन न मिलने से परेशान पेंशनधारक अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और SDM जनपद CEO के नाम पेंशन न मिलने का आवेदन दिया। ग्रामीणों का कहना था कि आमली पंचायत में वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन पिछले 5 महीने से नहीं मिल रही है। वहीं समाज कल्याण विभाग कर्मचारियों का कहना था कि मार्च, अप्रैल और मई के पेंशन कुछ ही दिन पहले ही ग्राम पंचायत आमली को जारी कर दी गई थी, लेकिन सरपंच सचिव की तरफ से अभी तक किसी को भी पेंशन नहीं दी गई। ग्राम पंचायत आमली के पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन 5-6 माह हो गए नहीं दे रहे ग्राम पंचायत सरपंच सचिव। 1 महीना 2 महीना 3 महीना पूरा डल गया है पैसा, नहीं मिला है। खाता के लिए दे दिया है सर, लेकिन खाता में दे तो घुमा रहा है, काट दिया उसको भी दे दिए है, मतलब उसको भी ले लिया। अब उसका कोई निराधार नहीं है कि पेंशन देगा कि नहीं देगा, उसमें क्या है, पेंशन देता है तो हर महीना डालता है उसमें, उसको पंचायत ले लिया। ये पेंशन अमाली पंचायत क्या थे, पेंशन शायद उनको मिला नहीं है। उनके जानकारी फरवरी तक का बस पेंशन उनको मिला है, फरवरी 2017 तक का, जबकि यहाँ से मई 2017 तक का जो कार्यालय से जारी हो गया है। बात तो अभी आज ही संज्ञान में आए हैं, इसमें जांच की जाएगी, जांच टीम गठित करके कार्रवाई की जाएगी। चलिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के सारगण में गौ मांस तस्करी मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। घटना छिंदगांव की है जहां ग्रामीणों ने गौ तस्करी की जानकारी पुलिस को दी थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सारगण पुलिस ने टीम का गठन किया और दोनों युवकों के घर पर दबिश देकर मांस से भरी 2 बोरियों के साथ दोनों को धर दबोचा।
पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने गोवध की बात से इनकार करते हुए मृत पशु के मिलने की बात कही है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से मांस की तस्करी का कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मांस परीक्षण के लिए भेज दिया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। छिंद गांव से एक सूचना मिली थी कि एक छिनव राम का व्यक्ति है और अपने घर में गौ मांस रखा है। सूचना पर पुलिस मौके पर गई और उसके पास से लगभग 10 किलो मांस मिला हुआ। पूछताछ पर उसने बताया कि मरा हुआ पड़वा एक जानवर है, उसका मांस को लाके रखा है। मांस को हम लोग परीक्षण के लिए वेटनरी डॉक्टर के पास भेज रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद उसको वैधानिक कार्रवाई की है। बेचने के लिए काम करते हैं हम लोग, बकायदा उसमें अलग से मतलब पुटले लगा हुआ है, जिले जिले किले किलो पैक किए हैं। ये पहले से भी करते आ रहे हैं क्या? पहले से करते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की बात करेंगे, जहां गरीबी और समाज से उपेक्षित जीवन जी रहे असहायों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कलेक्टर होशंगाबाद अविनाश लवानिया ने जिले में कायाकल्प अभियान छेड़ा है। गुरुवार को ग्राम पंचायत जासलपुर में एक 60 साल के असहाय गणेश को कलेक्टर जिला पंचायत सीओ पीसी शर्मा ने अपने हाथों से साबुन और शैम्पू से नहलाया। दाढ़ी और कटिंग भी की गई, नए कपड़े भी पहनाए गए, उसके बाद तिलक लगाकर सब्जी और मिठाई खिलाई गई। जिला प्रशासन और जन सहयोग से कायाकल्प अभियान चलाया जा रहा है। जिले की 423 पंचायतों में गरीबों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कायाकल्प अभियान हमारे ग्राम उदय अभियान के साथ ही शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि हम देखते हैं गांव में बहुत ही मेले कुचेले कपड़े पहने दरिद्र लोग जो बहुत देर नहाते नहीं हैं या ब्रश नहीं करते हैं, बाल नहीं बनवाते हैं, कटिंग नहीं करते हैं और सामान्यतः उन लोगों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। यदि हम लोग गुजरते भी हैं उनके पास से तो थोड़ा सा दूर हट करके लोग जाते हैं, कहीं इनकी गंदगी या संक्रमण हमको लग न जाए। ऐसे लोगों को हमने इस अभियान में विशेष रूप से चिन्हित किया है और उनको फिर हम एक मंच पे ला करके हमने प्रत्येक गाँव में इस तरह का एक मंच बनाया है, उस पर ला करके उनको नहलाना धुलाना, उनकी कटिंग बनवाना, उनको ब्रश करवाना, साफ सफाई के प्रति उनको प्रेरित करना और उसके पश्चात उनको अच्छे वस्त्र पहना करके और स्वादिष्ट भोजन जो उनके पसंद का होता है वो हम करवाते हैं। और इसके साथ साथ ही हम उनको एक स्वच्छता किट भी देते हैं जिसमें साबुन, तेल, कांच, कंघा, शैम्पू इत्यादि चीज़ें होती है। ब्रश के लिए टूथपेस्ट रहता है ताकि उनकी आदत साफ सफाई की बन जाए। सर, इसमें आपके साथ में और भी कोई लोग जुड़े हुए हैं? इसके लिए हमने प्रत्येक ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर एक कायाकल्प समिति बनाई है 10 लोगों की, जो इस तरह लोग के लोगों का चिन्हांकन अपने ग्राम में करती है और उनको स्वच्छ करके। सरदार सरोवर बांध डूब प्रभावितों के पुनर्वास की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे जन संघर्ष मोर्चा और कई पार्टियों के सदस्य जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अनशनकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि डूब प्रभावितों के पुनर्वास की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से आंदोलनकारी अनशन पर बैठ गए थे, जिन्हें धरनास्थल से पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और गिरफ्तार भी कर लिया था। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।